वेल, तो फिर से हम लोग खेल रहे रैंच सिमुलेटर। और अगर आपने इसकी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो मत ही देखना, मैं बताता हूँ क्यों। वेल, हम लोग आ चुके हैं हमारे गेम के अंदर। और मैं क्यों बोल रहा हूँ रहने दो, मतलब पिछली वाली वीडियो मत ही देखना, इसे क्यों बोला मैंने, क्योंकि देखो रैंच सिमुलेटर की ये दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो के अंदर हमने जस्ट इस गेम के अंदर एंटर हुए थे और हमने कुछ चीजें करी थी जो कि ग्रैंडपा ने हमको बताई थी, लाइक उनकी जो भी इच्छाएं वगैरह थी ना, लाइक कि हम समझ जाए इस पूरी रेंज को और पूरी रेंज को हमें मैनेज करे और ये सारी चीजें तो हमने करी थी। हमने एक बहुत ही शानदार सा घर भी बनाया था यहाँ पे, है ना। एंड ये कुछ चीजें करी थी जैसे कि एक जो मुर्गियां होती ना उनके लिए एक बांध, मुर्गी का बांध ही होता है ना, बांध ही बोलते ना मुर्गी की, या फिर क्या बोलते हैं उसको, कुक पता नहीं कुछ तो बोलते, जो भी बोलते हैं क्या फर्क पड़ता है। तो एक ये खरीदा था, एक ये सोइंग मशीन को हेलो ये बाहर निकल जाएगी रुको, तो एक ये खरीदी थी हमने। तो ये देखो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने नया वर्जन, इसका नया वर्जन आया था अभी अनरियल इंजन 5 का, तो मैंने वो जैसे ही वो इंजन स्टार्ट किया, वो इंस्टॉल किया, और ये देखो भाई मेरे सारी चीजें ऐसा लग रहा है जैसे रीसेट हो चुकी है, जैसे यहाँ पे टोकरिया वगैरह है ना, क्योंकि ये मशीनें भी मैंने सब वहां पे रख रखी थी उस जगह पे, ये सब भी यहाँ पे आ गई, पता नहीं इस जगह पे इस जगह पे एक हाउस बनाया था मैंने, वो भी हाउस पता नहीं कहाँ चला गया। और वेट यार इन चीजों को हटाओ, ये शायद मैंने हटाई थी, लेकिन ये सारी चीज ना ये थोड़ी बहुत चीजें रीसेट हो चुकी है। मतलब देखो ये कुछ कुछ चीजें अपने पास अभी भी है, जैसे कि गाड़ी अपनों ने रिपेयर कर रखी थी पूरी, तो गाड़ी अभी भी अपने पास में पड़ी हुई है। ये वाली मुर्गी की जो बांध बोल लेते इसको, चलो हटाओ, तो ये जो मुर्गियों की बांध है ना जिसके अंदर क्या किया है मैंने, है ये देखो एक मिनट में बेचारों को बेघर कर दिया। मैं उस पर क्लिक करके गेट खोलने वाला था बट मेरे हाथ में ये था यार, ये डीमोलिश करने का टूल है, इससे मतलब सारी चीजें टूट जाती है। क्या यार दिमाग खराब। खैर ये मुर्गियां हमारी सारी बाहर आ चुकी है, काम करता हूँ इनको ना अंदर रख दूं क्या, इनको अंदर रख देता हूँ। ओके वेट, इनको अंदर रख देता हूँ नहीं तो भाग जाएगी ये। चलो ये अच्छा ऑप्शन है फिलहाल, अभी ना इनको मैं गाड़ी के अंदर कैद करके रख देता हूँ। और यार ये अनरियल इंजन 5 का जो भी अपडेट किया ना, मैं सच बता रहा हूँ इसको अपडेट को करके ना मैं थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पछता रहा हूँ, पता है क्यों, बिकॉज ये इतना अनऑप्टिमाइज है ना, या फिर हो सकता है कि अभी जो लेटेस्ट वर्जन आया ना मैं उससे पुराना वाला खेल रहा हूँ, ये देखो 0.96 वाला खेल रहा हूँ मैं, थोड़ा सा अनस्टेबल मुझे लग रहा है ऐसा, कभी कभार ना फ्रेम फ्लक्चुएट कर जाते ना, ऑब्वियसली चीजें हो रही है। और ये चीजें मैं तोड़ सकता हूँ, ये घर वगैरह ये देखो हटाओ से, पर इनमें बड़ा टाइम जाएगा और मैं ये नहीं करना चाहता हूँ अभी। एक घर था हमारा बहुत ही मस्त सा बनाया था हमने, बहुत ही छोटा सा बनाया था, लेकिन वो चला गया है फिलहाल यहाँ से, वो अभी अपने पास में है नहीं फिलहाल। यहाँ पे मशीन अपनी बची हुई है और वेट इसके अंदर फ्यूल भी एकदम कम दिखा रहा है, मतलब फ्यूल भी नहीं है इसके अंदर, ये देखो ऊपर की बार है ना ये फ्यूल की बार है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि सबसे पहले इसके अंदर बैठते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं, ये अलग दिक्कत है भाई, बार बार अलग गाड़ी को स्टार्ट करो, ठीक है ज्यादा ही रियलिस्टिक बनाने के चक्कर में ऐसे चीजें मैं डाला कर रहा हूँ। क्या जो भी है यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ सबसे पहले तो उतर के ये जो अपना गैरेज है ना, ये गैराज ही है ना या फिर आपके गैराज ही है, तो मैं सोच रहा हूँ पहले तो ये जो मुर्गियां है ना इन दोनों मुर्गियों को पकड़ के इसके अंदर डाल देता हूँ मैं, इससे क्या होगा कि ये भागेगी नहीं कहीं पे भी, ठीक है चलो भाई। एंड इधर से एक और दो ही ये फिलहाल तो अपने पास में, तो आज अपन ना काफी सारे चीजें करेंगे, लाइक काफी सारे अलग अलग वैरायटी के जानवरों को लाएंगे एंड उनका देखेंगे अपन सीन कैसे बनता है। और ये देखो फ्यूल की टंकी यहाँ पे पड़ी हुई, तो लाइक काफी सारी चीजें तो रिसेट हुई है, काफी सारी चीजें वैसी की वैसी पड़ी है, इसको लगा देते हैं ताकि वो कहीं पे भी ना भाग ना पाए। तो मैं एक्चुअली मैं किसी भी बटन को अगर दबा दूं, ओके इस बटन से शॉप खुलेगी और यहाँ से ग्रोसरी वगैरह, ओके यहाँ से अपन देख सकते हैं कि क्या क्या चीजें अपन कर सकते हैं, जैसे कि अपन हंटिंग वगैरह कर सकते हैं, और हंटिंग करने का ज्यादा फायदा है नहीं क्योंकि हंटिंग करके ना अपन छोड़ो, ओके तो आज ना अपन दो तीन चीजें करेंगे, लाइक इनके बांध बनाएंगे, जैसे कि चिकन मतलब मुर्गिया, चिकन मतलब नाम लो यार उसका, चिकन बोलने में बड़ा ही वियर्ड फील होता है क्योंकि शुद्ध एकदम शाकाहारी लोग है ना। तो यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ से कुछ नहीं कर सकते, यहाँ से बस अपन लकड़ी काट सकते हैं, जो कि अपन यहाँ पे आके खचा करके लकड़ी काटेंगे एंड अगेन करके इसको चॉप कर देंगे, तो अपन जस्ट। और ये भी बहुत ही बेकार चीज है कि अपन बस एक टाइम में एक ही लकड़ी को हेलो वेट व्हाट, अरे अबे ये क्यों नहीं कट रही है, अच्छा इसमें फ्यूल नहीं है ना, तो अभी चलते हैं अपन, अपने पास में पैसे अगर दिखाएं तो अपने पास $1100 हो चुके हैं, जो कि इतने डॉलर कहाँ से आए मेरे पास में, छोड़ो जो भी है यार, मतलब चीजें सब अपने अपने अगेंस्ट चल रही है तो अपन कुछ कह नहीं सकते फिलहाल। वैसे भी ये दूसरा ही एपिसोड है तो अपन ज्यादा इतनी टेंशन लेते भी नहीं है। और ये देखो भाई पूरा लुक ना बदल गया, और यहाँ पे कुआ रह गया भाई, वेट ये कुआ ही है ना ये क्या, ओ नहीं 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 नहीं, यहाँ पे अपन रेंज का नेम डाल सकते हैं, क्योंकि क्या डालूंगा मैं, ओ वेट यहाँ पे डालेंगे अपन, क्या नेम रखे अपने रेंज का, तो सोचने दो थोड़ा, बिकॉज ये काफी क्रूशियल चीज है, मतलब क्या रखे यार, अब व्हाट वो नाम भी आ रहे हैं इसमें, ये देखो द ऑर्चर्ड पाइंस न्यू रेंज, तो ये लोग ना अपने वो नाम सजेस्ट कर रहे हैं। अबे यार इतने थोड़ी ना, मतलब हमारा इतना तो दिमाग चलता ही ना कि हम खुद से नाम रख सके अपनी रेंज का, है ना, रैंडम नहीं भाई, हटाओ। एंड अब काफी देर सोचने के बाद हम लोग इसका नेम रखेंगे माय रेंज, एंड ये देखो भाई कितना सही लग रहा है, एकदम हरे हरे कलर में दिखाई दे रहा है बस खाली। खैर लेट्स गो, फटाफट अपनी इसके अंदर बैठते हैं एंड ओ वेट इसको भी खोल सकते हैं अपन पीछे से, ओ भाई काफी, अरे यार
खोलो भाई, इसको चलाने का बार बार इंजन स्टार्ट करना पड़ता है। ये अपना पूरा रेंज ना बदल चुका है, देखो पीछे से यहाँ की लोकेशन बदल गई, पूरा रास्ता डाल दिया एक यहाँ से, ये देखो पूरी एक फेंस की बॉर्डर लगा दी यहाँ पे, बाउंड्री वगैरह। और यहाँ पे ना ये देखो यहाँ पे ऑक्शन हाउस है, ये देखो यहाँ से कहीं पे घोड़े खरीदने का ऑप्शन आ रहा था भाई, $50 लगे अपनों को, लेकिन ये देखो ये हमारी भाषा कैसे सीख गए, हटाओ भाई बाहर जाने दो मुझे यहाँ से। अगर यहाँ से ना अपन घोड़े वगैरह खरीद सकते हैं जो कि फ्यूचर में कभी खरीदेंगे, फिलहाल तो ना तो अपने उसमें पैसे हैं और ना ही इच्छा है अपनी इनको खरीदने की, मतलब इच्छा क्या मेन बात तो ये है कि अपने को पता नहीं है। तो लेट्स गो, अभी जो चीजें अपने को पता चल सकती है ना उनको पता करते चलते हैं यहाँ से। देखो भाई गाड़ी चलने में ना कितनी थोड़ी थोड़ी देर ना फ्रेम ड्रॉप हो रही है, इससे भी है। ओ वेट, अच्छा हिरण है भाई, मुझे लगा कोई दौड़ के आ रहा है पीछे से अटैक करने के लिए। और पूरी मैप चेंज हो चुकी है यार, ये देखो पूरे रास्ते वस्ते सब चेंज हो गए। एक्चुअली अपनों को जाना कहाँ पे, और बेस्ट बर्गर पे, वेट बेस्ट बर्गर पे क्या खरीद सकते हैं अपन आके, यहाँ पे एक बेस्ट बर्गर की शॉप है, अपन खाने का खरीद सकते हैं क्या, बोलो वही से। कोई नहीं बैठा है बताओ यहाँ पे सबके लिए, बर्गर शर्गर कितनी ट्रेस लगा रखी है यहाँ पे, और सब छोड़ के चले गए शायद, पता नहीं क्या हुआ इनको। हेलो व्हाट्सअप सर जी, एक्स्ट्रा मी जूनियर बेस्ट, कुछ वेज में दो यार, है क्या कुछ पत्ता गोभी का सूप या फिर ऐसा कुछ। ओके वेट व्हाट, अच्छा यहाँ पे सिर्फ अपन सेल कर सकते हैं, कुछ भी खरीद नहीं सकते, बिकॉज यहाँ पे कुछ भी खरीदने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। क्या छोड़ो यार, हमें वैसे भी दिलचस्पी नहीं है तुम्हारे यहाँ खरीदने में कुछ। ओ ये देखो बीफ चीज वाइट चिकन मीट प्राइस मल्टीप्लाई, हटाओ भाई हटाओ। तो लोडिंग एरिया, ओके यहाँ पर आके ना अपन कुछ सामान बेच सकते हैं। तो क्या बेचेंगे भाई, कुछ भी नहीं है हमारे पास में अभी। वेट लेट्स गो, इसके अंदर बैठते हैं अपनी गाड़ी में और फटाफट से सबसे पहले चलते हैं अपन, सबसे पहले चलते हैं कहाँ चलते हैं, हार्डवेयर स्टोर पे जाना था अपनों को, पता है क्यों। ओ वेट, पहले चलते हैं गैस स्टेशन पे, इसलिए बिकॉज ये जो अपने पीछे टंकी पड़ी हुई ना इसके अंदर फ्यूल डलवा के लाना है, बिकॉज जब तक फ्यूल नहीं होगा तब तक अपनी जो वुडिंग मतलब लकड़ी काटने की जो मशीन है ना अपनी, वो काम नहीं करेगी। वे ओ कैसे चल रही है, ओके मैं इधर से बिल्कुल नहीं ले जाने वाला हूँ, क्योंकि अगर जो गाड़ी फंस गई ना इधर तो भाई पता नहीं अपन फिर क्या करेंगे, क्योंकि हाँ वाह भाई ठोको मत यार, आराम से प्यार से जाओ प्यार से। अब क्या करूं, टायर हिला लेता हूं बस खाली से, क्योंकि अपने आप आगे ठुकी यार, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं बस उतार रहा था इसको। तो इसमें फ्लिप का ऑप्शन आ रहा है तो इसको करते हैं, तो ये गाड़ी पूरी सीधी होके यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है भाई ठीक है, लाइट चलाओ लाइट, ओ वो लाइट देखो जरा एक बार, इतनी ज्यादा लाइट में चलाओ यार, बड़ी अजीब लग रही है लाइट वैसे तो। चलो यार अंधेरा हो गया ना, मैं लाइट ही चला लेता हूँ ठीक है। और मैं अभी कोई घर नहीं जाने वाला हूँ, मैं पहले अभी सोच रहा था एक बार काम करता हूँ घर जाके सो के आ जाता हूँ, बट छोड़ो यार घर जाके सोएंगे फिर आएंगे बहुत ज्यादा लंबा टाइम हो जाएगा और रिपीटेटिव टाइम हो जाएगा। तो अपन क्या करते हैं कि एकदम पत्थरों में कूदते कूदाते ले जाते हैं इस गाड़ी को, एंड फ्यूल स्टेशन भी चलते हैं, ताकि एटलीस्ट अपन अपनी टंकी में और अपनी गाड़ी में भी फ्यूल नहीं है बताओ, तो दोनों में ही फ्यूल डलवाना पड़ेगा अपने को दोबारा से। और तो यहाँ पे आके यहाँ पे गाड़ी लगा देते हैं, इधर आके अब मेरे को आता है यार, अब तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, जस्ट पहले इसके अंदर डालते हैं, डालो भी डालो फ्यूल डालो। तो एक एक डॉलर अपना कट रहा है काफी अच्छे से, तो पहले डालते हैं अपने गैस कैन के अंदर फ्यूल डलवाते हैं, एंड कितने पैसे कट जाएंगे, ज्यादा पैसे लग नहीं रहे, मतलब एक एक दो दो डॉलर ही कट रहे हैं ना, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब इसको लेते हैं, मेरे पास भी तो टॉर्च है, ओके मेरे पास भी टॉर्च है ठीक है। अब इसको लेते हैं, ले लो भाई इसे, ओके अब इसको लगाएंगे अपन, इसको इधर लगाएंगे और अपनी कार को भी रिफ्यूल कर देते एक बार। हाँ ठीक है भाई हो गया, अब ना मैं निकाल के लगाने वाला हूँ, बस अपन यहाँ से निकल जाते सीधा इससे पहले कि सुबह हो जाए। एक काम करते हैं एक बार हार्डवेयर स्टोर पे चलते हैं, क्योंकि वहां जाएंगे ना तभी अपनों को चीजें दिखेगी, मतलब अगर अपनों को आंखों के सामने चीजें दिखेगी ना तभी तो अपनों को पता चलेगा कि लाइक अपनों को करना क्या है ना। तो एक बार मैं सोच रहा हूँ पहले हार्डवेयर स्टोर पे चल देते हैं। नहीं भाई तुम ना बस यार, ये मोटर होम नहीं है तो नॉर्मल सी पिकअप जा, ओ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, वाह भाई वाह, हाँ गिर जा भाई गिर जा, तो काम कर, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। फिलहाल यहाँ पे आते हैं और बहुत ज्यादा अंधेरा यार, बहुत ही ज्यादा अंधेरा है लिटरली। हेलो अंधेरे में कहीं दिखाई नहीं दे रही है, ये रह गए, यहाँ पे कोई खड़ा भी तो रहता है, अच्छा वो चला गया यहाँ से जाए। ऑलराइट तो ये देखो यहाँ से अपन वुड प्लैंक खरीद सकते हैं $30 में। $30 क्यों दूंगा भाई इसके लिए, मैं मशीन से भी काट सकता हूँ ना, बट यही है कि यहाँ से $30 ही लग रहे हैं और अपने को बहुत ज्यादा मिल रहे हैं, तो अच्छी चीज है, मतलब अपने को मशीन पे काट के ना टाइम वेस्ट नहीं होगा अपना। यहाँ पे देखो लग्जरी टेबल शो भी है, पता नहीं है किस हिसाब से लग्जरी है, क्या है अपने आप काटती है फिर अपने आप लकड़ियां उठाती है जो भी है। ओके वेट ये देखो एक एनिमल ट्रेलर रह गया यहाँ पे, चूंकि $1500 का है और मेरे पास ले देखे सिर्फ $980 है, तो ये तो बड़ा महंगा है। तो देखो यार यहाँ से ना ज्यादा चीजें दिख नहीं रही है, मैं क्या मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से थोड़ी क्यों ना वुड प्लैंक खरीद ली जाए, बिकॉज देखो अगर अपन हटाओ इसको, वैसे तो बहुत अंधेरा है यहाँ पे, पर मान लो अगर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, व्हाट व्हाई बे यार, लाइट बंद करो भाई पहले तो। अब अगर अब भाई कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है यार, इधर उजाले में दिखेगा, ओके यहाँ पे दिख रहा है। अगर देखो अगर मैं सोच रहा हूँ कि आज ना अपने काम करते हैं कुछ वैरायटी की जानवर को ले जाते हैं, जैसे कि एक पिग हो गया काऊ हो गई, तो उनके लिए ना अपनों को ऐसी नहीं ले जा सकते, अपनों को कुछ बनाना पड़ेगा उनके लिए, या तो बांध हो गया जैसे, फिलहाल मैं सोच रहा हूँ कि खुद बनाए या फिर बना बनाए बांध बनाए, देखो ये रह गए देखो बने बनाए बांध। फिलहाल सबसे पहले मैं अपने घर पे
जाके सो के आने दो ताकि दिन होगा ना तो अपने को चीजें समझ में आएगी। भी कुछ भी दिखाई दे रहा है? कुछ भी नहीं। अरे कुत्ते पे चढ़, जल्दी चल जल्दी चल, कुत्ता निकल जाएगा वो, इसके ऊपर चढ़ा देते गाड़ी को। क्या हो रहा क्या हो रहा क्या हो रहा है? वाह भाई वाह, कुत्ता ही भाग जाएगा। हेलो कुत्ते, यार बच कैसे रहा यार, ये फिर भी बची गया है। वेट यार, मेरे पास मेरा पिस्टल रहेगा ना, चल बे आ तो। अरे वाह क्या हो गया? अरे चीख भाई, ठीक है नहीं नहीं नहीं, भागो भागो भागो, रिलोड कर जल्दी। ओ शिट, मैं रिलोड भी नहीं कर पा रहा हूँ और मैं एम भी नहीं कर पा रहा हूँ। व्हाट, रिलोड कर ले इसको, रिलोड कर ले जमरू। इस पे चढ़ जाता हूँ ना फिर क्या करेगा यार मैं इसको एम। ओ ठीक है, आई एम वेरी 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 सॉरी ब्रो, हम तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहते थे यार, बट तुम हमारे पीछे क्यों पड़ गए यार हैं। बैठ, इसको इसके अंदर डालते, अरे डालते इसके अंदर, बेच देंगे कहीं पे इसको, पैसे आएंगे ना इससे। मेरी कोई इंटेंशन ही नहीं थी, पर ये आया मेरे पीछे पता नहीं क्यों। भाई दली दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं हमारे घर पे। कहाँ सोऊंगा भाई, मेरा तो घर छीन लिया इन लोगों ने। पर ठीक है यार, यहाँ पे टेंट लगा हुआ है ना तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये देखो टाटा, सो जाओ। अब 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 सबसे पहले चलते हैं अपन अपनी मशीन के पास में, क्योंकि तुम्हें पता है ना अभी फ्यूल डलवा के लाया अपन, तो पहले इस मशीन के अंदर फ्यूल डालते हैं। क्या है कि यही मशीन अपनों को लकड़ी काट के देने वाली है। ओके तो इसमें डालते हैं, एंड ये देखो इस टंकी का थोड़ा ही फ्यूल गया और ये मशीन फुल हो गई। अब तो मस्त लकड़ियां काट सकते हैं अपन। ये देखो टाटा टाटा, तो यहाँ से अपन पेड़ काट सकते हैं। वैसे फिलहाल आई डोंट थिंक सो पेड़ काटने की अपनों को जरूरत है, बट लेट्स गो, काट ही लेते हैं, क्या दिक्कत है। वैसे अपनों को ना बांध बनाना है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ पहले कौन सा बांध बनाए, मतलब पहले क्या मुर्गियों का बनाए या फिर सुअरों का बनाए या फिर गाय का बनाए। फिलहाल इसको यहीं पे डाल देते हैं। अब बनाते हैं बांध, तो बांध अपन दो तीन तरह के ऐसे बांध भी बना सकते हैं या फिर अपन चाहे तो फेंस का भी बना सकते हैं। तो वेट, मैं क्या सोच रहा हूँ, तो वुड फेंस लेते हैं और एक जगह डिसाइड करते हैं, उस जगह में अपन लगाएंगे अपना हाउस, हाउस नहीं बांध। तो देखो यहाँ से बनाते कुछ इस तरीके से, और पहले अपने को डिजाइन बनानी पड़ेगी, ऐसे ही करना पड़ेगा, नहीं तो अपन ना डायरेक्टली वो नहीं कर सकते, अपन डायरेक्ट बना नहीं सकते, पहले अपने को ऐसे कुछ से कुछ ना कुछ डिजाइन करना रहता है। तो चलो लेट्स गो, पहले मैं सोच रहा हूँ कि मैं सही तो जा रहा हूँ ना, मैं टेढ़ा टेढ़ा क्यों जा रहा हूँ यार। आई थिंक इतनी बड़ी ठीक रहेगी क्या, इतनी से गैप रह रही यार अभी भी है, ये क्या बात है, ये गैप कैसे रह जा रही है? मतलब ये देखो अभी तो गोल गोल बना दिया मैंने, यहाँ पे बीच में क्या है कुआ पानी का, बड़े तो सूखा कुआ है, सूख गया, हटा उसको। ओके तो एक प्लैंक के अंदर चाहिए अपने को, मतलब एक फेंस के अंदर चार प्लैंक चाहिए अपनों को, ठीक है। और ऐसे टोटल पता नहीं कितनी लगाई मैंने, देखो टोटल अगर देखिए अपन तो देखो लगभग ये 40 फेंस है टोटल, है ना, और 40 ही फेंस में मैं सोच रहा हूँ इस तरह की एक फेंस उड़ा देते हैं अपन इधर से, ये हो जाएगा गेट। तो 40 इंटू 4 कितने हो गए, लगभग 150 प्लैंक चाहिए अपने को, लगभग 150 प्लैंक। तो ओके एक काम करते हैं थोड़ी देर, क्योंकि अपन अभी अभी फ्यूल डलवा के लाए तो फ्यूल में भी तो पैसे बिगाड़े ही है अपनों ने, है ना। तो ये देखो ऐसे एक रोल के अंदर 8 प्लैंक है टोटल, इस तरीके से अपने को 160 प्लैंक यानी कि 160 लकड़ियां लेके आनी पड़ेगी। आर यू सीरियस ब्रो? तो ये जो लकड़ियां पड़ी हुई ना, ऐसे में को बहुत सारी लकड़ी काटनी पड़ेगी, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन सारे पेड़ काट देते अपन आसपास के, ठीक है। ऐसे काट के बस पहले काम करते, पहले सारे पेड़ काट देते हैं एंड उसके बाद सारे पेड़ों को उठा के खुद से ले जाना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है मेरे को। टाइम तो जाएगा, देखो यार कुछ भी बोलो, ऐसे उठा के यहाँ पे डाल देता हूँ, बस बात करता हूँ। यार ये भी तो अलग दास्ता है, मतलब अगर अपन दिन में सो जाएंगे तो फिर दिन कैसे होगा? और यार सच बताओ, पता नहीं अनरियलिस्टिक इंजन 5 जैसा क्या किया है इसमें, मेरे को तो ये गेम पहले से बेकार लग रहा है सच में, बेकार इन शॉर्ट ग्राफिक्स के मामले में। क्योंकि पहले मैंने बहुत सारे क्रिएटर्स की वीडियो देख रखी है रेन सिमुलेटर से रिलेटेड, वो इतना कलरफुल, इतना ज्यादा मतलब इनहेंस्ड गेम लगता था ना कि वाओ। मैं 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ, साल भर 2 साल पहले की बात, तो पहले और ज्यादा वाइब्रेंट था गेम, लेकिन पता नहीं अनरियल करके पता नहीं डल बना दिया इस गेम को, कितना डल लग रहा है गेम। अरे प्रोसेस कितनी शॉर्ट लग रही है, ऐसा लग रहा है कि वाह बस ऐसे करना है, इस दौड़ के आना, यहाँ पे लकड़ी फेंक देनी है, यहाँ से फिर लकड़ी लेके आनी है, और हर दूसरे राउंड में यहाँ पे लकड़ी लगा देते ताकि इससे लकड़ी कटती भी रहेगी। तो देखने में ऐसा लग रहा है कि कितना छोटा वो यार, कितना ज्यादा लॉन्ग टास्क है। ये देखो यहाँ पे आके ऐसा लकड़ियाँ डालनी है अपनों को ऐसे, और बहुत सारी लकड़ियाँ पड़ी अभी तो। मैं सोच रहा हूँ कि देखो बहुत दूर दूर लकड़ियाँ पड़ी हुई है और लाने में ना बड़ा टाइम लग रहा है, तो क्यों ना एक बार ट्राई कर सकते ना ये चीज, ये जितनी भी लकड़ियाँ पड़ी हुई ना, वैसे इतना टाइम लग नहीं रहा है। देखो खड़े खड़े अपन ना ऐसे लोड करवा लो, भाई ट्रेवलिंग का टाइम बच रहा है इसमें, अगर ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना, तो इधर जरूर ट्रेवल करने का टाइम बच रहा है। क्योंकि देखो लकड़ी लाने में क्या लग रहा है, वहां से मेरे को आना है, लकड़ी उठानी है, फिर भागनी है वहां पे, वहां लकड़ी ड्रॉप करके फिर आना है, यानी कि मेरे को 2 राउंड एक्स्ट्रा करने पड़ रहे सेम जगह पे आने के लिए। अब इसमें क्या होगा कि मैं एक ही जगह हूँ, यहाँ पे मैं सही लकड़ी लोड करवा दूंगा और एकदम आखिरी में जाके बस एक राउंड में इसको वहां पे एक्सपोर्ट कर देंगे अपन। तो देखो मैंने 4 लेयर लकड़ी की जमा दी, इसके ऊपर मैं पहुंच नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मैं कूद के अगर लगाऊ तो भले, लेकिन उसमें बहुत टाइम लग जाएगा लगाने में, और वैसे भी इतना भी ज्यादा जरूरी नहीं है, जरूरी तो है लेकिन ठीक है, अब अपन कर सकते ना कुछ भी। तो मस्त अपने को बस ये लकड़ी लेके आना है यहाँ पे, एंड ये देखो मैं ये कर सकता हूँ कि मैं यहाँ से उठा के यहाँ डाल सकता हूँ। तो अब क्या करते हैं, अभी भी काफी सही लकड़ियां पड़ी हुई है, देखो ओ वेट
ठिसके आओ। अबे लगी नहीं थी उसको, खैर यहाँ पे देखो आसपास लकड़ियां तो पड़ी हुई, लेकिन यहाँ पे मैंने बहुत ज्यादा ढेर कर दिया है ऑलरेडी। यहाँ पे देखो एक बार प्लैंक कितने हो चुकी है, बट ये कुछ भी नहीं, एक बार जब सारी लकड़ियां कट जाएगी ना फिर देखेंगे अपन यहाँ पे क्या प्लैंक का ढेर बनता है। तो जस्ट एक बार देखो यहाँ पे एक दो दो तीन, मेरे को पता भी नहीं है कि एक्चुअली कितनी, ओ यहाँ पे कोई लकड़ी बची है ठीक है, इसको भी यहाँ पे डाल देते हैं। ओके, मेरे को पता भी नहीं लिटरली यहाँ पे कितनी सारी प्लैंक पड़ी हुई है। तो काम करता हूँ, मैं अभी कार वाला आइडिया नहीं रख रहा हूँ, अब मैं सीधा सीधा आके यहाँ पे बस खाली ऐसे इंसर्ट कर देंगे अपन। तो देखो यार इस बांध को कंप्लीट करते हैं जल्दी से, एक्चुअली मेन काम तो अब बाकी पड़ा है। जो मेन काम है जितने भी वैरायटी के एनिमल्स है ना, वो हर वैरायटी के सारे तरह के एनिमल्स अपने को लेके आने। हिरण वगैरह रह गई है लेकिन मर कहाँ रही यार, ये पता नहीं मेरा निशाना इतना कमजोर है या फिर क्या है। वो मर गई, वो क्या प्रो बंदा हूं मैं, इतना दूर से मार दिया मैंने इसको, बताओ। अबे भाई बहुत सही लकड़ियां है, तो अपन ना ऐसे अंदर अंदर जाके पूरी बांध कंप्लीट करनी है अपने को जल्दी से, ऐसे टड़ांग टड़ांग। और इसके अंदर अगर हम देखिए, मुर्गियां मर तो नहीं गई ना, ओ शिट व्हाट हाउ, ये भी मर गई और ये वाली मुर्गी भी मर गई, पर कैसे, अबे यार ये क्या हुआ। हेलो हेलो हेलो, फाइनली मैं उठ गया हूं, बट यार यहां पे देखना जरा, व्हाई द हेल इज दिस मुर्गी इज गोइंग टू डाई, आई मीन व्हाटएवर। क्या इसकी स्किन कर लेते और यहां से ये निकाल देते, चिकन चिकन क्या बोलूं यार मैं, वो मेरे को प्रोनाउंस करने में भी अच्छा नहीं लगता पता है, शुद्ध शाकाहार। वेल 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 वेल, तो देखो यार बाउंड्री पूरी तरीके से बन चुकी है। और इससे पहले कि अपन एनिमल लाए ठीक है, इससे पहले कि जानवर को अपन लेके आए, अब मैं सोच रहा हूँ बांध किस लिए होता है, बांध होता है किस लिए होता है, बांध बांध होता है मतलब बांध के अंदर ही सारा खाना पानी सब चीजें होती है ना। वैसे अगर मैं बांध नहीं बनाऊ तो भी क्या मैं नॉर्मली रख सकता हूँ क्या खाने पीने की चीजें। चलो मान लो अगर मैं फ्रंट सेक्शन बनाऊ तो ये बन गया यहाँ पे, ओ तो मेरे को सारा सेक्शन अलग अलग बनाने पड़ेंगे, नहीं होता है मतलब ये फ्रंट सेक्शन बनाना। अब देखो ये मिडिल सेक्शन और ये इसे अलाइन होके बनेगा यहाँ पे, एंड अब दोबारा से करके अब आएगा बैक सेक्शन, ले ले भाई बैक सेक्शन ले ले, ऑल डन। इसमें 19 लकड़ी चाहिए, इसमें 20 और कुछ नहीं है बांध वाले सेक्शन में। खैर काम करते हैं, मेरे पास काफी सही लकड़ी पड़ी हुई ना, तो काम करते हैं लकड़ी लेके आते हैं और इस बांध को कंप्लीट करते हैं। अच्छा है इसके आसपास ना फेंस ही फेंस हो गए ना, तो अब यहाँ पे अगर अपन किसी को भी लेके आते ना तो वो कहीं पे भी भाग के नहीं जा सकता है, कोई दिक्कत अपने को नहीं आएगी। जस्ट इसको यहाँ पे लगाना है एंड लेट्स गो। तो ऐसे इंस्टॉल इंस्टॉल ऐसे बस पूरे बांध के अंदर अपने को चीजों को इंस्टॉल करना है। देखो दोबारा से लेंगे इसको एंड लगा देंगे छत के अंदर, ऐसा दिखेगा क्या, मुझे तो लगा था ये बहुत ही कलरफुल दिखेगा, मतलब अभी जब किताब के अंदर देख रहे थे ना इसको तो कितना कलरफुल दिख रहा था, वाओ रेड रेड कलर का बना हुआ। और डन, फाइनली अपना बांध पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। बस मेरे को ये देखना है कि यहाँ पे देखो फूड का कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक चीज और आ रही थी जो कि थी ये। अब ये क्या चीज है ये मैं एक बना के देख लेता हूँ, काम करता हूँ। हटो भाई हटो, इसमें कितनी लकड़ी चाहिए, ओ भाई 20 लकड़ी चाहिए इसमें अलग से, ये एक सेक्शन बन जाएगा पूरा, मतलब स्पेशल लोगों के सोने के लिए। अरे भैया जी वाह यार। और अगर मैं ये ना बनाऊं तो क्या भाई बताओ, अगर मैं ऐसा करूं कि मैं तो बस ओपन छोड़ दूं इसको, ना मुझे यहाँ पे दरवाजा लगाना है ना ही मुझे इधर दरवाजा लगाना है, मैं तो कैद करना भी नहीं चाहता हूं इन लोगों को, मैं तो चाहता हूं कि ओपन रहे वो लोग है ना, मतलब मस्त ओपन। मेरे पास पैसे कितने, पैसे उतने ही पड़े हुए क्योंकि पैसों का कुछ खर्च तो किए नहीं अभी तुमने अभी तक। देखो मस्त, अपन क्या करेंगे बस यहाँ पे आके ये लगा देंगे ना, तो बस ना तो वो कहीं से बाहर जा सकते, बस घर इसलिए लगाया ताकि अच्छा लगे उनको भी। एंड मुझे लग रहा है आप लोग पानी का भी तो बनाना पड़ेगा, नहीं तो मर जाएंगे वो लोग। वो जो दो मुर्गियां मरी ना अभी अपनी, वो भी इसीलिए मरी क्योंकि उन्होंने खाना पानी मिला ही नहीं ना उन लोगों को, समझे क्या वहा। और पानी कहाँ से लाएंगे फिर अपन, अगर मैं यहीं पे पानी कुआ लगा दूं एक। ओके तो काम करते एक कुआ लगा देते इस जगह पे, और फूड का भी भाई रखते ना कुएं के पास में, यहीं पे रख देते ताकि सीधा कुएं से ही मस्त है ना। वो वेट इसको ले लूंगा मैं साथ में, ये बेच देंगे यार कहीं ना कहीं बीच में रास्ते में, अपन तो खा नहीं सकते इन चीजों को ठीक है, इसको तो इसको अंदर ही रखते ना मस्त, इसको बेच लेंगे थोड़े बहुत, इसके भी पैसे कलेक्ट हो जाएंगे एंड काफी सही रहेगा, कहीं ना कहीं बेच ही देंगे बीच में, जैसे बर्गर शॉप आ रही है जनरल स्टोर है तो कहीं ना कहीं तो बिक ही जाएंगे। और साथ साथ अबे ये भी लेके आते, इसको भी तो बेचना ही है, ये देखो ये दो यहाँ पे रख रखे मैंने, लेट्स गो इनको भी रख देते हैं यहाँ पे। ओके डन लेट्स गो, यहाँ पे पहले तो अपनी गाड़ी लगानी है अपनों को एंड फिर अंदर आके, तो ये देखो ये सेल करेंगे तो $45 इसके और $48 इसके, सही है सीधे $100 एड हो गए अपने डायरेक्ट अपने अकाउंट के अंदर। अब चलते हैं जनरल स्टोर में, और भाई हिरण तो कोई हिरण पास में आने को तैयार नहीं, बताओ सब भागे जा रहे हैं, बस उनको पता है ना कि उनकी नस्लों को निपटा दिया है मैंने। Well, finally हम लोग आ चुके हैं हमारे जनरल इस स्टोर में। हेलो मैडम जी, थोड़ी मुर्गियां दे दो हमें एंड थोड़े सुअर दे दो हमें, वो इधर क्लोज दो के, तो मैंने तो दोनों खोल दिए, अब क्या करोगे, अपने को चाहिए या, ओ ब्रो व्हाट द शिट, $800 की एक भैंस। ओ ठीक है यार काम करते एक इसको ऐड कर लेते और एक फीमेल को ऐड कर लेते, तो $600 तो इसी में लग गए। शीट 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 शीट, अच्छा रोस्टर और चिकन में क्या फर्क है यार, ये $50 की ये $250 की, इससे का है भैया। एक काम करता हूँ दो इसको ऐड कर लेते हैं, एक दो ठीक है, बड़ी महंगी इसके लिए यार अपने को पैसे चाहिए थोड़ा, तो लेट्स गो जितना
पास है ना ये $700 का बिल बना, और अगर इनमें से मैं एक आध चीजों कुछ ऐड करना चाहूँ तो मैं आई थिंक $100 का, $300 का और कुछ ऐड कर सकता हूँ। ओके, तो एक दो तीन, तीन बोरी वीट की ऐड कर लेते हैं, ठीक है। एक वाटर टैंक भी ऐड कर लेते हैं, क्या पता कुएं में पानी निकला ना निकले, है ना। एंड अब इनको पकड़ के आजा 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 इसमें ऐड करते हैं। ओके चढ़िया चढ़िया चढ़िया, इसको पकड़ के इधर आवे, दौड़ो दौड़ो दौड़ो, इसमें ऐड कर लेते हैं। अगर मैं इनको पकड़ के, मैं इनमें ऐड नहीं कर सकता हूँ अब इसको, क्योंकि मैंने दो, ओ कर सकता हूँ, नाइस, बड़े टैलेंटेड यार अपन तो। फिर एक और कहाँ भाग गई, अबे यार वहाँ दिमाग खराब है तुम्हारा, है ऑल टर्न, ठीक है। वेल 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 वेल, यहीं पे डाल दूं क्या इनको, चलो यहीं पे डाल देते हैं इनको, ठीक है। पहले ये गेट लगा देते ताकि भागेंगे नहीं ये लोग। एंड बस इनको पुल आउट पुल आउट पुल आउट, हाँ इसको भी डाल देते इधर, एंड इसको भी पकड़ के डाल देते इधर। अब यहीं पे घूमते रहे, वो भाग गया, देखो ना जरा, इतनी देर में भाग के इधर आ गया। लेट्स गो बॉडी, फुल शॉर्टकट लेके जाने वाला हूँ, एकदम फुल शॉर्टकट, हाँ ले लो ले लो, चढ़ा दो चढ़ा दो, ऑल डन, सारे पैसे खत्म। ये देखो मेरे को ही ढूंढ रहा है, अबे कितना बदतमीज आदमी है बे, चल। ओ पहले कॉन्क्रीट तो चाहिए बस खाली कुएं में, हेलो, अच्छा ये तो स्टील है, ठीक है ठीक है ठीक है, स्टील नहीं चाहिए, स्टील अंदर चाहिए ना, ठीक है 10 ही चाहिए था, मैं 2 ले आया हूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे आप कॉन्क्रीट लेते हैं, कॉन्क्रीट लगाते कुएं के अंदर, ओके। पर मर तो नहीं गए ना, अरे यार सुअर मर गए क्या, अरे सुअर या मर गए, अभी मर गए यार ये, वेट 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 वेट, कुएं में पानी है, वेट यार पानी है कुएं में, पानी तो है कुएं में। ये देखो भाई मुर्गी भी मर गई, सुअर भी मर गया, ये मुर्गी भी मर गई, एंड ये सुअर भी मर गया। मेरे को पहले खाने की प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी इन लोगों के लिए, पहले से लाके मैंने रख दिया, कितने पैसे वेस्ट हो गए अपने। तो चलो यार फाइनली अब इतनी सारी लकड़ी को एक साथ में पहले कट करना है, और इतनी लकड़ी में तो मैं, ओ वेट वेट वेट, यहाँ पे भी लकड़ी पड़ी है ना, तो इसको भी लोड करवाई देते ऊपर। ऑलराइट ये भी डन, ठीक है। इसमें ओ वेट, इसको इसमें अगर मेरे पास फूड रह गया, तो इसमें अगर अपन फूड डालने की कोशिश करें तो डन। ओके ये देखो अपन कितना भी फूड रख सकते हैं इसके अंदर, ये देखो। ओके इसको भी कंप्लीट कर देते हैं अब, ठीक है। उसमें खाली लकड़ी चाहिए ना, बाकी मेटल कॉन्क्रीट वो सारी चीजें तो लगा ही रखी है अपना ऑलरेडी। डन 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 डन, ओके ये जो चीज है ना, इनकी स्किन निकाल, ओ वो एक पिक से इतना मिलता है क्या, आर यू सीरियस, इतना मिल रहा है पिक से, और मुर्गी से कितना मिलता है, मुर्गी से तो एक ही मिलता है बड़ा सा, बट यार इसका क्या फायदा, इन सबको अगर बेचूंगा ना मैं, सोचो इस सबको अगर मैंने बेचा ना तो इनके गिन के आएंगे मेरे को $20-30, तो मतलब $300 में मैंने खरीदा है इनको। खैर जो भी है, हमारा फार्म पूरी तरीके से बन के डन हो चुका है। वैसे यहाँ पे इसमें पानी कैसे फिल करेंगे अपन पता नहीं, खैर हो सकता है बाल्टी वाल्टी लेके आनी पड़े अपनों को, और फिर बाल्टी पकड़ के इसको स्पिन करना पड़े, क्योंकि कुएं के अंदर पानी भरा हुआ यार। देखो तो ये देखो, फिलहाल अपन ना लेके आए थे काफी सारे जानवरों को, दो मतलब दो वैरायटी के जानवरों को लाए थे, लेकिन बेचारे भूख प्यास से मर गए वो, अपन ग्राइंडिंग और अपन सामान बनाने में रह गए, ध्यान ही नहीं गया यार। कमेंट करके ना ऑनेस्ट रिव्यू दे दिया करो वीडियो के बारे में प्लीज। तो चलो मिलते नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।